हेलो दोस्तों, तो कैसे आज हम बात करने वाले हैं हाउ मेनी आवर्स शुड 10th क्लास स्टूडेंट स्टडी की, एक 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को कितने घंटे रोज स्टडी करनी चाहिए जिससे उसको अच्छे मार्क्स मिल सके और वो अच्छे ग्रेड्स लेकर एक टॉपर लिस्ट में आ सके। तो बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलो फिर बिना इंटरव्यू टाइम के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। पहली चीज कि अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको ध्यान देना होगा कि आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। सो आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवरऑल आपकी परसेंटेज सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो आपको सब सबको पढ़ना है और सबको इक्वल इक्वल टाइम देना है। अब कुछ उसमें से टफ सब्जेक्ट है जो ज्यादा टाइम रिक्वायर करते हैं और कुछ कम टाइम में भी हो जाते हैं। तो हम एक रफ आइडिया लेके चलते हैं, लाइक कि आप मैथ्स थोड़ा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है तो हम उसको 2 आवर्स डेली देंगे। देन उसके बाद साइंस जो उससे थोड़ा कम टाइम टेकन है उसको हम 1 आवर एंड 30 मिनट देंगे। देन उसके बाद फॉर इंग्लिश एंड हिंदी इंक्लूडेड, इन दोनों को मिलाकर हम 1 आवर 30 मिनट देंगे। एंड जो बचता है आपका 1 आवर, उसमें हम अपनी सोशल स्टडी को भी देंगे। तो ये टोटल आपके 6 आवर्स हो जाते हैं जो आपको रोज डेली पढ़ना है अपने ऑल सब्जेक्ट्स को। अब कहना तो आसान लगता है कि आप 6 आवर्स रोज स्टडी कर लो, करने का तो आप 7, 8, 9, 10 आवर्स भी कर सकते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस टाइम टेबल की जो आप सस्टेन कर पाओ फॉर द लॉन्ग पीरियड। तो आपको ऐसा टाइम डिसाइड करना है जो आप लॉन्ग टाइम तक उसको फॉलो कर पाओ। कहने को ये 6 आवर्स कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कि आपकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी अच्छी है, आपका बेस अच्छा है, तो आपके लिए ये आवर्स भी काफी हो जाएंगे अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए। बट अगर आप ऑलरेडी आपके सब्जेक्ट्स वीक हैं तो आपके लिए शायद ये कम हो जाए। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि क्या आपके 6 आवर्स इनफ हो पा रहे हैं, आप सारे सब्जेक्ट्स कर पा रहे हो। उसके साथ साथ ये 6 आवर्स 7 आवर्स निकालना दिन में काफी ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि आपका स्कूल भी होगा प्लस आपकी कहीं ट्यूशन भी होगी, तो आप इस टाइम को कहाँ निकालेंगे वो भी एक बड़ा सवाल हो जाता है, वो भी एक अलग टॉपिक है। सो आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो मैं खुद करता था अपने टाइम पे। मैं क्या करता था कि जब स्कूल टाइम होता था तो उस स्कूल टाइम में क्या होता है, कुछ पीरियड्स एम्प्टी भी होते हैं, उसमें टीचर्स नहीं आते हैं, तो उस पीरियड्स को आप यूज कीजिए, आप उसमें बैठकर पढ़ाई कीजिए और उसको आप काउंट कीजिए एज अ सेल्फ स्टडी में। क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं कि आपको स्टडी करनी है 6 आवर्स स्टडी करनी है तो आपकी वो सेल्फ स्टडी है, ना ही इसमें स्कूल इंक्लूडेड है और ना ही आपकी ट्यूशन, आपको वो अलग से अपनी सेल्फ स्टडी के लिए निकालने होंगे। सो वो टाइम आप वहां निकाल सकते हैं कि लाइक आपके जो स्कूल में लंच टाइम हुआ आप उस टाइम पे पढ़ सकते हैं, या फिर आपको जो एम्प्टी पीरियड मिले उस टाइम पे पढ़ सकते हो, या फिर ऐसे पीरियड्स कुछ होते हैं जिसके अंदर जिसमें आपके टीचर्स नहीं आते या फिर टीचर्स आते हैं तो आपको अच्छे से समझ नहीं आता, तो आप उस टाइम पे कुछ और कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना कि आप अपने क्लास लेक्चर्स को भी अच्छे से अटेंड करें क्योंकि काफी आपको हेल्प करेगा वो चीज समझने में, आप उस टाइम को भी यूटिलाइज करें। सो आप ऐसे टाइम निकाल सकते हैं अपने दिन भर में। और उसके बाद सेकंड थिंग, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। तो मैं अपनी टेक्निक बताता हूं जो मैं खुद अपने टाइम पे करता था। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मुझे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ना है। जस्ट मैं टॉपिक स्ट्रेटेजी लेके चलता था कि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है। अब मैंने मान लीजिए कि मैंने मैथ्स का एक 5th चैप्टर डिसाइड करा कि मुझे आज 5th चैप्टर पूरा रिवाइज करना है। अब भले ही वो मेरा 2 घंटे में 6 घंटे में या 8 घंटे में जितने में भी होता है, बट मैं उसको टाइम दूंगा। भले ही मेरा टाइम दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं, भले ही मैंने 15 मिनट स्टडी करी फिर मुझे कुछ काम करना पड़ा, मैं कहीं बिजी हो गया, फिर मैंने आधा घंटा या 2 घंटे स्टडी करी फिर मैं कुछ मुझे कुछ कहीं जाना पड़ा, तो इस तरीके से मैं टाइम को मैनेज करके एक टॉपिक खत्म कर देता था विद फोकस। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि रोज के आप टॉपिक डिसाइड कीजिए कि मुझे इन 5 सब्जेक्ट्स में से ये टॉपिक करने हैं, भले ही उसमें कितना भी टाइम लग जाए। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप कम टाइम में कर लोगे, अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा और आपको देना भी चाहिए क्योंकि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो आपको टॉपिक वाइज चलना होगा ना कि टाइम वाइज। तो ये थी कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आपको डेली अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स तो पढ़ना ही चाहिए ताकि आप अच्छे ग्रेड्स ला पाओ, और ये अप एंड डाउन कर सकता है आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। सो जस्ट टॉपिक स्ट्रेटेजी को अपनाइए और आपका काम अपने आप हो जाएगा। बट इसके साथ साथ एक सवाल ये भी उठता है कि हाउ मेनी आवर्स शुड अ 10th क्लास स्टूडेंट स्लीप।
कितने घंटे एक क्लास 10th के स्टूडेंट को सोना चाहिए, क्योंकि स्लीप का भी आपका काफी इंपैक्ट पड़ता है कि स्टडी के ऊपर। कि जब स्टूडेंट्स इतने घंटे की स्टडी की बात करते हैं तो वो अपनी स्टडी उस स्लीप आवर्स में से निकाल लेते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं लेंगे तो आपका स्टडी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आप जो अपने नाइट आउल की तरह स्टडी करते हैं, या फिर आप सुबह जल्दी उठते हैं, अपनी नींद को सैक्रिफाइस करते हैं, तो वो भी एक सही है। लेकिन आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आप एटलीस्ट 7 to 8 hours की नींद लें। अगर आपकी नहीं हो पा रही है रात में, तो दिन में कहीं सो जाए, लेकिन आपको लेना जरूरी है। और उसके साथ साथ तब जाकर आपको उस टाइम टेबल में 6 7 hours स्टडी मैनेज करनी है। स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको स्लीप पूरी लेनी है और उसके साथ साथ स्टडी पे फोकस करना है। तो ये थी वीडियो अबाउट हाउ मेनी आवर्स शुड अ 10th क्लास स्टूडेंट स्टडी। तो आपको आंसर मिल चुका है कि आपको डेली कॉन्स्टेंटली आपको इतनी स्टडी करनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद है। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है, या और भी आपके पास क्वारीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड अबाउट 10th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।